हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू शर्मा ग्रुप और मैं हूं अमन शर्मा। दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा हरियाणा स्टेट के बारे में, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो है कांस्टेबल और एसआई का जो है वैकेंसी आया है। दोस्तों वो अलग अलग पदों पे कुछ वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी जो है ना बहुत बड़े तादाद में है, 65 टोटल मिला के 6500 के करीबन सीट है। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। ये फॉर्म जो है ना 12 तारीख से भराने वाला है, 12/6/2019 से ऑनलाइन चालू हो जाएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है इसका 10 तारीख को दिया गया है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हो, इसमें कितना फी लगेगा, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहे हमारे न्यू शर्मा ग्रुप पे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे ना तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि इसी से हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। और आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी चीज़ पूछना हो तो हमें कमेंट्स करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक फार्मा तैयार किए हैं, चलिए उस फार्मा पर चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप ये ऑफिशियल साइट है, ये ऑफिशियल साइट से आप कैसे कर सकते हो। ऑफिशियल साइट का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आओगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेक्शन है, रिक्वायरमेंट सेक्शन में आओगे। रिक्वायरमेंट सेक्शन में आने के बाद दोस्तों ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुलते ही आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे लास्ट यहाँ नीचे लिखा हुआ है अप्लाई जॉब। अप्लाई जॉब पे क्लिक करना है। यह देख सकते हो आप यहाँ एडमिट कार्ड के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसका जो है फॉर्म का अप्लाई करने का जो है लिंक अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये लिंक जो है 12 तारीख को दे दिया जाएगा, 12 तारीख को इससे ऑनलाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जो फार्मा हमने तैयार किया उससे मैं आपको बता दूँ कि वो फार्मा से आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इस तरह का एक फार्मा बनाया है, जिसमें देख सकते हो आप इंपॉर्टेंट डेट जो है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 12/6/2019 है, एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 26/6/2019 है, क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी 28/6/2019 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन फी जो है फॉर कॉन्स्टेबल के लिए जो है, कॉन्स्टेबल के लिए जो फी है वो जनरल मेल के लिए 100 रुपये है, फीमेल के लिए 50 रुपये है, और SC BC और EWDS के लिए मेल के लिए 25 रुपये है, फीमेल के लिए 13 रुपये है। ठीक है, फॉर सब इंस्पेक्टर के लिए आप देख सकते हो जनरल के लिए मेल के लिए जो है 150 रुपये है, फीमेल के लिए 75 रुपये है। ठीक है, और पे फी वर्जन ऑनलाइन मोड है। ठीक है, ऑनलाइन मोड है इसमें जो है, क्योंकि इसमें फीमेल के लिए इसलिए नहीं दिखाया गया दोस्तों इसमें कि देख सकते हो आप साइट ऑनलाइन मोड है। ठीक है, यहाँ आप एज लिमिट देख सकते हो, एज लिमिट जो है 1/6/2019 से आपको 18 साल आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल के लिए आप देख सकते हो 19 से 25 साल होना चाहिए पूरा। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर के लिए आप देख सकते हो लिमिट जो है 21 से 27 साल होना चाहिए। ठीक है, और टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो आप 6400 पोस्ट, जैसे मैंने 6500 पोस्ट बताया दोस्तों, ये 6400 पोस्ट ही है, सॉरी मैंने गलत बताया, इसके लिए 6400 पोस्ट ही है। ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल का आप देख सकते हो ये जो है 10+2 है, और ये जो है मैथमेटिक्स और हिंदी और संस्कृत आपको मैट्रिक में जो है हिंदी और संस्कृत आपका होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर के लिए भी आप देख सकते हो हिंदी और संस्कृत आपका मैट्रिक में होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ मैट्रिक और संस्कृत होना चाहिए, सॉरी हिंदी और संस्कृत होना चाहिए मैट्रिक में। ठीक है, बात करते हैं अब नेम ऑफ कांस्टेबल का, या कांस्टेबल मतलब पोस्ट दिया, पोस्ट का नेम दिया हुआ है कांस्टेबल है दो, एक GD फीमेल के लिए है, एक मेल के लिए है। ठीक है, और नीचे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर का जो है 400 ही पोस्ट है, जिसमें फीमेल का पोस्ट नहीं दिया गया है, ओनली वन मेल का पोस्ट दिया गया है। ठीक है, इनका किन किन कैटेगरी में कितना पोस्ट है यहाँ सारे डिटेल्स दिया गया है आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले हम कांस्टेबल की बात करते हैं, कांस्टेबल जनरल में 1800 है, SC में 900 है, BCA में 700 है, BCB में 400 सीट है, ये सारा इस तरह का सीट यहाँ पे दिया है इसका सारा डिटेल्स। ये मैं वीडियो दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीन शॉट लेके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ नीचे। नीचे चलने के बाद फिजिकल देख सकते हैं, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है दोस्तों। जनरल के लिए जो है हाइट जो है 170 होने वाला है, और ये देख सकते हैं OBC के लिए जो है 68/4 मतलब कैटेगरी, यहाँ देख सकते हो आप रिजर्व कैटेगरी के लिए 68 ही मांगा जा रहा है, और चेस जो है जनरल के लिए जो है 83 से 87 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 81 से 85 है। ठीक है, फीमेल के लिए इसी तरह देख सकते हो 58 सेंटीमीटर है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका चेस का तो कोई सिस्टम है नहीं इनका, ये तो पता ही होगा। और मेल का आप देख सकते हो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए जो है सिर्फ मेल का ही आया है वैकेंसी, फीमेल का तो है नहीं वैकेंसी। जनरल के लिए यहाँ पे देख सकते हो 170 है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 है। ठीक है, इसका चेस्ट देख सकते हो उसी तरह सेम चेस्ट है, जिस चेस्ट ऊपर वाले मांगे वैसे ही नीचे भी चेस्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे फिजिकल यहाँ टेस्ट में। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेल के लिए जो है ये 2.5 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर का दौड़ होगा, 12 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा और 6 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह कुछ जो है इसका मतलब हरियाणा का जो है
कांस्टेबल और एसआई का सारा डिटेल्स दिया है और मैंने आपको सारा डिटेल्स बता भी दिया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें से पूछ सकते हैं और हमसे ये जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, टाटा, बाय बाय।